डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकली बेस्ड वर्चुअल कम्युनिटीज की ये एक ऐसी काइंड ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए या एक स्पेसिफिक नेबरहुड के लिए बनाई जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल कम्युनिटी इन विच कम्युनिटी मेंबर्स शेयर आ सिमिलर जोग्राफिक लोकेशन यानी उनका नेबरहुड सेम है उनकी लोकेलिटी सेम है इन दिस काइंड कम्युनिटी नेटवर्क मेम्बर्स हैव एक्सेस टू फ्री वेब स्पेस ई मेल एंड अदर सर्विसज विदाउट एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिटी नेटवर्क ग्रुप्स फ्रीकुन प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अदर सर्विसेज एंड आर ओकेजनली एक्टिव इन पॉलिसी वर्क तो ये जो नाइन्टी फाइव से लेके ऑनवर्ड्स टू थाउजेंड फाइव तक बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज डिवेलप की गई फ़िज़िकली बेस्ड वर्चुअल कम्यूनिटीज़ जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ ये देखा गया कि कैसे अगर हम एक लोकेलिटी के लिए एक स्पेसिफिक नेटवर्क क्रिएट करें वर्चुअल नेटवर्क तो वो कैसे उस कम्युनिटी को uh, जो है uh, फ़ायदा दे सकता है या कैसे उसके लिए बेनिफिशियल uh, हो सकता है और ये कैसे वो अफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्स को और इसकी हमें एग्ज़ाम्पल्स uh, भी मिलती हैं और वो हम आगे देखते हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सच काइंड कम्युनिटी देन मेंबर्स कैन यूज कम्युनिटी नेटवर्क फॉर न्यूज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड जॉब्स रिलेटेड टू जॉब्स चेक द लिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी इवेंट्स वेदर फॉर कॉस्ट लिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस सर्च फॉर गुड्स एंड सर्विसज एंड दे कैन डू द परचेजिंग एज वेल और जब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये चार बड़ी रिनाउंड फिज़िकली बेस्ड वर्चुअल कम्युनिटीज़ हैं जिसमें पहली कम्युनिटी सीटल कम्युनिटी नेटवर्क है फिर एक ब्लैक्स इलेक्ट्रॉनिक विलेज है फिर एक रेड बर्ग इंट्रानेट कलेक्टिव एक uh, जो है यूके की कम्युनिटी है फिर एक कैनेडियन uh, प्रोजेक्ट है नेटवाइल तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि ये जो वर्चुअल कम्युनिटीज़ क्रिएट की गई फॉर स्पेसिफ़िक लोकेलेटी फॉर स्पेसिफिक जोग्रेफिकल नोकेशनस तो ये जब बनाए गई तो किस एम्फ एम्फ के साथ बनाए गई और इसके बनाने के बाद उसके कम्यूनिटी मम्बर्स को क्या फ़ायदा हुआ जैसे कि हमने पहले अभी इसके जो बात की है कि जब हम ऐसी कम्यूनिटीज़ बनाते हैं तो वहाँ के मम्बर्स बहुत सारी सर्विसज ऑप्ट कर सकते हैं थ्रू दिस कम्युनिटी नेटवर्क तो हम जब इन आ, आ, प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल से देखेंगे कि तो, क्या वो जो है सर्विसेज उन लोगों ने ऑप्ट की और आ, कैसे वो बेनिफिशियल हुई उनके लिए